बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का रोटी और इसके मसाले जो हैं वो सारे घर के ही हैं। मैंने कोई बाज़ार का मसाला नहीं मैंने इसमें ऐड करना और इंशाल्लाह ये बहुत अच्छे जूसी और बहुत डिलीशियस बनेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहले सारे मसालों को मैं एक बाउल में मिक्स करूँगी। ये है 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, ये 1 टीस्पून गरम मसाला, इसमें सारा कुछ ऐड है, जावित्री, बादिया खताई, लौंग, यानी कि हर सारे मसाले जो है इसमें मैंने ग्राइंड किए हुए हैं। ये सफ़ेद ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून, ये 1 टेबल स्पून खुशक पिसा हुआ धनिया, ये 1/2 टीस्पून हल्दी, ये 1 टीस्पून कुटी हुई सुरख मिर्च, ये 1/2 टीस्पून पेपरिका पाउडर, देखिए मिर्च भी इसे कहते हैं, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च पिसी हुई, 1 टेबल स्पून नमक, ये इसमें 2 पिंच मैं जरदा रंग डालूंगी, पेपरिका पाउडर और फूड कलर जो मैंने ऐड किया है वो मैंने इसकी अच्छी लुक के लिए किया। पहले इन मसालों को मैं मिक्स करूंगी अच्छे तरह से। नमक मिर्च आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें मैं ऐड करूंगी 2 बड़े लेमन जूस, ये तकरीबन 1/2 कप ऑयल, ये 1 कप दही। अब इन मसालों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। अब मैं थोड़ा थोड़ा चिकन इसमें ऐड करके इसमें मिक्स करती जाऊंगी। सारा चिकन एक दफ़ा नहीं डालना क्योंकि वो अच्छे मसाले फिर अच्छे तरीके से नहीं लगेंगे। आज कुछ बादल आ रहे थे तो मैंने सोचा फ़ायदा उठा लूँ बारबेक्यू का, दुआ करें कि हमारी तरफ बारिश हो जाए। और वैसे भी मौसम चेंज हो रहा है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर ये बारबेक्यू तो होते ही हैं। सर्दी के मौसम में मौसम ज़रा ठंडा हो जाए। जो मसाले मैंने मिक्स किए हैं ये 3 केजी चिकन के लिए थे और जो मैंने इसमें खुशक धनिया डाला इसमें और सफ़ेद ज़ीरा डाला है, इन्हें पहले मैंने तवे पे रोस्ट कर लिया था फिर मैंने इन्हें ग्राइंड किया था। 4 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रखूँगी और बाद में हम इनका टिक्का बारबेक्यू करेंगे। बारबेक्यू स्टार्ट करने लगी हूँ, कोयले दहक गए हैं और ग्रिल भी गर्म हो गई है और मैंने इनकी सीख रख दी हैं और अब इंशाल्लाह थोड़ी देर तक ये तैयार हो जाएंगे। सीखों में बोटी जो है थोड़े थोड़े कैप से लगाएं ताकि वो अच्छे तरीके से पक जाए, इन्हें बिल्कुल जो आपस में जोड़ के नहीं लगाने। तकरीबन तैयार हो चुके हैं, अब मैं इनको ब्रशिंग करूंगी ऑयल की। फिर इन्हें मैं सीख से उतार लूंगी।
टिक्के तैयार हो चुके हैं और माशाल्लाह से बड़े जूसी और टेस्टी हैं। आप मेरी रेसिपी को इसी तरह फॉलो कीजिएगा और इंशाल्लाह उम्मीद है आपको पसंद आएगी मेरी रेसिपी। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।